हम कई जगहों पर जिला परिषद स्कूलों की घटती संख्या की तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन इसे तोड़ते हुए गोंदिया तालुका में जिला परिषद प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खराब पिछले कुछ समय से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इस समर कैंप के माध्यम से स्कूल के विद्यार्थियों को 6 दिवसीय समर कैंप के दौरान नई चीजें सीखने और हस्तशिल्प के माध्यम से चीजें बनाने की कला सीखने का लाभ देखने को मिला। अत वर्ष 2022-23 में हमारा विद्यालय आदर्श विद्यालय एक अभिनव पहल है। जिला परिषद विद्यालय जिले में प्रथम स्थान पर आया है और पिछले वर्ष मुख्यमंत्री विद्यालय तालुका में प्रथम स्थान पर आया था। हम देख सकते हैं कि कई जिला परिषद स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हो रही है, लेकिन जिला परिषद प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खरा तालुका गोंदिया ने इसे कहीं न कहीं तोड़ने का काम किया है। 3 साल पहले स्कूल का नामांकन 80 था, लेकिन पिछले 3 साल से स्कूल के प्रधानाध्यापक ने छात्रों का सर्वांगीण विकास के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित करने और छात्रों को होने वाली नई नई गतिविधियों से परिचित कराने की पहल की है। जो संख्या 80 पर थी वो अब 160 पर पहुंच गई है। हर साल स्कूल के शिक्षक छात्रों को नई चीजें सिखाने के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित करते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र के छात्रों में स्कूल के प्रति रुचि विकसित हुई है और इस बार छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रदूषण दूर करने, बचाने और साइकिल चलाने का संदेश देने का काम किया है। इस ग्रीष्मकालीन शिविर में छात्र 6 दिनों तक हस्तकला, पेंटिंग, शिल्प, साहसिक खेलों जैसे विभिन्न खेलों का आनंद लेते हैं और स्कूल ने छात्र आबादी की वृद्धि में योगदान दिया है। हालांकि नागरिक अब आशा व्यक्त कर रहे हैं कि अन्य स्कूलों को उनके उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। सर, शहरामध्ये काय असतं, वेगवेगळ्या उन्हाळ्या सुट्टी लागल्यानंतर वेगवेगळे शिबिर लावले जातात आणि शहरातील विद्यार्थी याचा लाभ घेतात, परंतु आपल्या खेड्यापाडी ग्रामीण क्षेत्रामध्ये असं नसते आणि म्हणून आमच्या शाळेनं यावर्षी आजचा 3रा वर्ष आहे आणि इथं उन्हाळी शिबिर चे आयोजन करून इथं मुलांना आर्ट अँड क्राफ्ट, कागदापासून बनवणाऱ्या वस्तू, सेल्फ डिफेन्सचे धडे, नृत्यांची प्रॅक्टिस आणि अजून वेगवेगळ्या पेपर वर्क आणि आंब्याच्या पानांपासून उपयोगी तोरण बनवणे, मास्क बनवणे, वेगवेगळ्या गोष्टी त्यांना या 6 दिवसामध्ये शिकायला मिळाल्या। हो सर, 2022-23 माझी शाळा आदर्श शाळा या अभिनय उपक्रमामध्ये जिल्ह्यातून पहिली आली आणि मागच्या वर्षी मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा या उपक्रमामध्ये तालुक्यातून पहिली आली। 2018 माझ्या शाळेची पटसंख्या फक्त 80 होती सर, आणि आता या घडीला माझ्या शाळेची पटसंख्या 160 झाली, जवळजवळ 5 वर्षात दुप्पट पटसंख्या झाली, कारण की आम्ही शाळेला चांगला गुणवत्तापूर्वक उपक्रम देऊन विद्यार्थ्यांना चांगले दर्जेदार शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करत असतो सर। या शिबिरामध्ये सर गोंदियावरून काही म्हणजे स्वयंस्फूर्त युवक युवती इथं येऊन त्यांनी आमच्या विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या दिवशी वेगवेगळ्या प्रकारचे धडे दिले आणि आज ह्या समर कॅम्पचा कमाल कार्निवलच्या शेवटचा दिवस असल्यामुळे सायकलिंग संडे ग्रुप जे गोंदियावरून इथं आला आणि त्यांनी संपूर्ण गावामध्ये सोबत रॅली काढून पर्यावरण बचाव, सायकल चलाव ह्या पद्धतीनं या गावामध्ये एक चांगला संदेश देण्याचा प्रयत्न सायकलिंग संडे ग्रुपने केला सर। देखिए, जब हमने यहाँ विज़िट किए थे, अलग अलग स्कूलों में हम विज़िट देते रहते हैं, तो हमें लगा कि शहर के बच्चों को तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आराम से मिल जाती है, लेकिन जिला परिषद स्कूल के बच्चे जो गांव में पढ़ने भी दूर दूर से आते हैं चल चल के, उनके लिए कुछ किया जाए। तो हमने सोचा कि इन्हें एक समर कैम्प दिया जाए जिसमें इनके स्किल को डेवलप किया जाए कि ये स्वयं रोज़गार खुद कर पाए आगे बड़े होकर। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें सिखाए, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट की बहुत सारी चीज़ें थी। डॉक्टर्स टीम ने आके यहाँ पे थोड़ा जागरूकता दिए कि हमें स्वास्थ्य और दांतों की सफाई और ये सब कैसे करना चाहिए। सेल्फ डिफेंस, जहाँ बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि अपनी सुरक्षा कैसे की जाए, उस पर हमने थोड़ा सा एक सेशन करवाए। डांस का हमने सेशन कराया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को पहली बार यहाँ मिली है और यहाँ बच्चों का उत्साह देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि इस तरह के कैंप हर गांव में हर जगह होने चाहिए, क्योंकि गोंदिया तहसील में ऐसे बहुत सारे जिला परिषद स्कूल है जहां अब भी बहुत सारे बच्चों को बहुत कम चीज़ें मिल पाती है। तो हमारी रिक्वेस्ट सभी से रहेगी कि हमारे साथ आप सभी जुड़े और इस तरह के कैंप अपने लेवल पे करवाएं। और आज यहाँ साइकिलिंग संडे टीम ने जो गोंदिया से आकर रवि सपाटे सर और उनकी टीम यहाँ पे आके जो साइकिलिंग को लेकर अवेयरनेस की है, वो भी बच्चों के लिए बहुत नया अनुभव था, क्योंकि बच्चे साइकिलिंग तो करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि साइकिल से रेस में भी भाग लिया जा सकता है, साइकिल से पूरी दुनिया का सफ़र किया जा सकता है। तो ये एक जागरूकता अभियान भी हमने आज आखिरी दिन किया, क्योंकि
धमाल कार्निवल में हम चाहते थे कि बच्चों को बहुत सारा धमाल मिले, इसलिए हमने इसका आयोजन किया। आमच्या शाळेत गोंदियावरून काही युवक युवती आले होते आणि आमच्या शाळेत 7-6 दिवसांची त्यांनी शिबिर केला। त्या शिबिरमध्ये आम्हाला कागदाच्या खूप काही वस्तू बनवायला शिकवला, जसा की कागदाची फुले, कागदाचे मास्क असे खूप काही आम्हाला बनायला शिकवलं। आणि सायकलिंग संडे या ग्रुपने आमच्या शाळेला भेट दिली व सायकलिंग केली। शहरातली मुलं क्लास लावतात, आम्ही तसे काही नाही केले। गोंदियातले काही युवक आम्हाला समर कॅम्प शिकवले, 6 वाजेपर्यंत ते 9 वाजेपर्यंत। आम्हाला पहिल्या दिवशी तोरण, मास्क, बॅचेस हे बनवणं शिकवले आणि आज शेवटचा दिवस आपल्याला आज गोंदिया सायकलिंग संडेनं भेट दिली आहे। आम्ही त्याच्यासोबत राईड पण केली आहे। आम्हाला या 7 दिवसात खूप काही शिकायला मिळालं आहे। प्रत्येक वर्षी आम्हाला असेच काही ना काही शिकायला मिळायला पाहिजे। आमच्या शाळेत आज फॉरमकडून 6 दिवशीतील शिबिर सुरुवात झाले आहे आणि आजचा शेवटचा दिवस आणि आम्ही पहिल्या दिवसापासून तर शेवटच्या दिवसापर्यंत खूप काही गोष्ट शिकलो आहोत। आणि पहिल्या दिवशी आम्ही टिश्यू फ्लावर्स बनवायला शिकलो आणि तोरण आणि सेल्फ डिफेन्सचे काही स्टेप्स शिकवले आता आम्हाला। आणि काल डान्सचे स्टेप पण आम्ही शिकलो आहोत। आणि मागील वर्षी आमची शाळा जिल्ह्यातून प्रथम आलेली आहे। शेवटचा दिवस असल्यामुळे गोंदिया सायकलिंग संडे आणि यांनी आपल्याला आज भेट दिली आहे आणि आज आपण त्यांच्यासोबत सायकलिंग राईड पण केली आहे आणि पर्यावरणासाठी आम्ही मेसेज पण दिली आहे, पर्यावरण वाचवा। NBC न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।